मार्केट में सबसे ज्यादा डिमांड है राउंड डायल एमुलेट स्मार्ट वॉचेस की। एंड थोड़े दिन पहले नॉइज ने अपनी नई स्मार्ट वॉच लॉन्च करी है नॉइज नोवा, और ये मेटल बिल्ड के साथ आती है। 1.46 इंच का एमुलेट डिस्प्ले मिल जाता है, IP68 वाटर रेजिस्टेंट मिल जाता है, मतलब पूरी प्रीमियम वाली बातचीत है, वो भी सिर्फ 3000 रुपए में। तो चलो पहले डब्बा खोल लेते हैं, फिर देखते हैं कि आपको ये खरीदनी चाहिए या नहीं। यहाँ पे आपको ये बॉक्स कुछ ऐसा मिल जाता है, और ये जेट ब्लैक कलर है, और मैंने इसे सिलिकॉन स्ट्रैप में खरीदा है, और मार्केट में लेदर वाले भी अवेलेबल है। और ऑब्वियसली इसमें आपको स्मार्ट वॉच देखने को मिलेगी, और ये कुछ पुस्तकें मिल जाती है, और ये नॉइस का स्टिकर भी मिल जाता है। तो पहले तो आप इस वॉच की लुक देखो, इसका जो फ्रेम है वो मेटल से बना हुआ है, जो कि थोड़ा बहुत शाइन मार रहा है, एंड ये सच में प्रीमियम लुक देता है इन हैंड फील में। और इसकी स्ट्रैप्स क्वालिटी की बात करो तो ये भी काफी अच्छी दे रखी है इन्होंने। बैक साइड इसकी प्लास्टिक की बनी है, बट कोई सस्ता सा प्लास्टिक नहीं है, ये काफी हैवी बिल्ड वाला प्लास्टिक यूज किया हुआ है। एंड इसमें ये दो बटन्स लगे हैं, वो भी मेटल के बने हुए हैं। एंड ऊपर वाले बटन दबाओगे तो मेन्यू खुल जाता है, और नीचे वाला बटन दबाओगे तो सीधे ही स्पोर्ट्स मोड खुल जाता है। एंड इसमें ना आपको 150 से भी ज्यादा वॉच फेसेस देखने को मिल जाते हैं। और अगर आपको इनमें से भी कुछ पसंद ना आए ना, तो इसमें आपको कस्टमाइज फेस का भी ऑप्शन मिलता है, तो आप अपने हिसाब से जैसा भी चाहो ना वैसा भी सेट कर सकते हो। और ये घड़ी ना IP68 रेटेड है, तो पानी वानी में डूब भी जाए ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 1.5 मीटर और 30 मिनट तक। और अब इसकी मेन हाईलाइट की बात करते हैं, जो कि है 1.46 की एमोलेड डिस्प्ले, और इसकी ब्राइटनेस है 550 निट्स की, तो इंडोर में तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। और अगर आप आउटडोर में से डायरेक्ट सनलाइट में भी यूज करते ना, तो भी आपको कोई ऐसी दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। और ये एमोलेड डिस्प्ले है, तो इसमें आपको ब्लैक्स वगैरह बढ़िया मिल जाते हैं, और कॉन्ट्रास्ट रेशो भी इसका काफी अच्छा है। एंड मैं सच बता रहा हूँ, ये एमोलेड डिस्प्ले की वजह से ये एनिमेटेड वॉच फेस काफी तगड़ा लगता है। एंड इसमें आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का भी फीचर मिल जाता है, और इसमें रेस टू वेक का भी फीचर है, और अगर आप इसके मुंह पे थप्पड़ मारोगे तो ये ऐसे लॉक हो जाती है। अब इसमें आपको मिल जाते हैं 110 से भी ज्यादा स्पोर्ट्स मोड, और अगर आपको अपने पूरे वर्कआउट का रिकॉर्ड देखना ना, तो आप यहाँ पे जाके प्रॉपरली देख सकते हो। और अगर हेल्थ सेंसर की बात करें, तो इसमें आपको मिल जाता है हार्ट रेट सेंसर, SPO2, स्लीप ट्रैकिंग, ब्रीथ ट्रेनिंग। और इसकी एक्यूरेसी टेस्ट करने के लिए मैंने इसे हवा में रखा, तो साफ साफ बोल देता कि भाई हाथ में घड़ी पहन लो। और मैंने इसे नॉन लिविंग थिंग पे भी रखा, तो भी इसमें आपको कोई रीडिंग देखने को नहीं मिलती। एंड ऑब्वियसली इसमें आपको ब्लूटूथ कॉलिंग भी मिलेगी, और इस तरह का कुछ आपको कॉलिंग का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। और जब आपकी गर्लफ्रेंड का व्हाट्सएप पे मैसेज आएगा, तो कुछ इस तरह से दिखाई देगा, भाई उसे टाइम से रिप्लाई दे देना, वरना छोड़ के चली जाएगी। और अगर आप रेगुलरली ब्लूटूथ कॉलिंग वगैरह कर रहे हो ना, तो इसकी बैटरी 2 दिन तक चल जाएगी, एंड अगर आप नहीं कर रहे हो तो समझ लो 5-6 दिन तक का आपको इसका बैटरी बैकअप देखने को मिल जाएगा। और आप अगर इसके वॉच यूआई की बात करें, तो आप स्वाइप अप करोगे तो ये सारा कंट्रोल सेंटर आ जाएगा, और स्वाइप डाउन करोगे तो यहाँ पे सारी आपको नोटिफिकेशन दिख जाएंगी, और स्वाइप राइट करोगे तो यहाँ पे आपको एक स्मार्ट ग्लेंस मिल जाता है, जिसमें आप अपने हिसाब से चीजें डाल सकते हो, जो जो भी आपको यहाँ पे चाहिए। और लेफ्ट स्वाइप करोगे यहाँ पे आपको स्टेप काउंटर मिल जाएगा, और हार्ट रेट सेंसर मिल जाएगा, और वेदर ट्रैकर मिल जाएगा, और यहाँ से आप म्यूजिक वगैरह कंट्रोल कर सकते हो। और इसका मेन बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपको लिस्ट व्यू में मेन्यू मिल जाएगा, और ये वही सब फीचर्स है जो आपको हर स्मार्ट वॉच में देखने को मिल जाते हैं। और नीचे वाला बटन दबाओगे यहाँ पे आपको सारे स्पोर्ट्स मोड देखने को मिल जाएंगे। ये इसका होम पेज, जहाँ पे आप सब कुछ देख सकते हो, जैसे कि हार्ट रेट, स्लीप ट्रैकिंग, स्टेप्स वगैरह। और ये चैलेंजेस वाले टैब में आपको चैलेंजेस देखने को मिल जाएंगे नॉइस की तरफ से। और ये फ्रेंड्स वाले टैब में आप अपने फ्रेंड्स के साथ अपना डाटा कंपेयर कर सकते हो। और ये शॉप वाले टैब में आप अगर आपको नॉइस का कोई और प्रोडक्ट बाय करना है, तो आप यहाँ से भी बाय कर सकते हो। और ये माई डिवाइस वाला मेन टैब है, क्योंकि यहाँ पे आप अपने वॉच फेसेस चेंज कर सकते हो। ये नोटिफिकेशन देखने को मिल जाता है, कॉल अलर्ट देखने को मिल जाता है, हेल्थ मॉनिटर देखने को मिल जाता है, गूगल फिट, माई कॉन्टैक्ट्स, और हाँ इसमें आप 10 कॉन्टैक्ट्स तक ही सेव कर सकते हो। और माई म्यूजिक में आप ये म्यूजिक कंट्रोल्स की सेटिंग चेंज कर सकते हो, वेदर सेटिंग चेंज कर सकते हो, फाइंड माई डिवाइस मिल जाता है, कैमरा शटर मिल जाता है, और ये ऐप सॉर्टिंग मिल जाता है, जहाँ पे आप अपने हिसाब से ऐप्स को ऊपर नीचे कर सकते हो। और ये स्पोर्ट्स मोड में अगर आपको कोई स्पोर्ट मोड ऐड करना है, तो यहाँ से आप ऐड भी कर सकते हो। और अगर आपको अपनी वॉच को अपडेट करना है, तो वो भी यहाँ से हो जाएगी। तो ये था मेरी तरफ से नॉइज नोवा का पूरा रिव्यू, एंड आई नो वीडियो थोड़ी सी लेट है, उसके लिए मुझे माफ कर दो। और ये लॉन्च हुई थी 3000 के प्राइस रेंज में, और मैंने भी इसे 3000 में ही खरीदा है, बट फिलहाल मैंने अभी इसका प्राइस चेक किया तो 3500 चल रहा है। एंड 3500 के हिसाब से जजमेंट दूं, तो मुझे तो ये काफी अच्छी वॉच लगी। एमोलेड डिस्प्ले मिल रहा है, एक मेटल बॉडी, प्रीमियम फिनिश लुक मिल रही है, बट मुझे ना सिर्फ इसमें एक ही दिक्कत लगी, कि जो इसका वॉच हुआ ये ना, वो थोड़ा सा लैगी फील करता है। और अब आप कमेंट करके बताना कि आपको ये वॉच कैसी लगी, एंड अगर आपको इसको बाय करना है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। और इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको 2023 की बेस्ट स्मार्ट वॉच दिखाऊंगा, ये वाली, तो सब्सक्राइब कर लेना ऐसा ही और कंटेंट देखने के लिए। बाय बाय।